इसके अलावा मार्केट रिव्यू लेना, न्यू प्रोडक्ट कोई आ रही है, कोई सर्विसेज आ रही है, कोई कंपटीशन मार्केट में आ रही है, सारा काम जो है एरिया मैनेजर का। अपने हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करेगा जी मैं ये प्रोडक्ट है, इसके साथ साथ ये कोई कंपनी ने इसी पैसों या इससे कम पैसों में प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, मैं क्या करूं। तो ये सारा काम जो है ये एरिया मैनेजर का है कि वो आइडेंटिफाई करके हेड ऑफिस को बताए, ताकि हेड ऑफिस के ऊपर कोई एक्शन ले या उसको कोई अल्टरनेटिव वे बताए कि वो उस चीज़ को उस वक्त टैकल कर सके, ठीक है जी। और ये सारा काम उसका है। इसके अलावा कोई ऐसी स्कीम केमिस्ट के लिए, कोई ऐसी चीज़ जो कि टेम्पटिंग हो, क्योंकि देखें ग्राउंड रियलिटी पे तो ये दो लोग जा रहे हैं ज़्यादा, कौन, एक तो जा रहा है एरिया मैनेजर, एक जा रहा है मेडिकल रैप। मेडिकल रैप किसको बताएगा, एरिया मैनेजर को, एरिया मैनेजर किसको बताएगा, सेल्स मैनेजर को। लेकिन जो आपकी आई है, कंपनी की आई है, वो कौन है, एरिया मैनेजर, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रोफेशनली उससे बेहतर है मेडिकल रैप से, उसकी कंप्यूटर स्किल्स बेहतर है, उसकी कम्युनिकेशन बेहतर है, उसको एक कंपनी ने गाड़ी दी हुई है, उसकी मोबिलिटी बेहतर है और वो उससे ज़्यादा अर्न कर रहा है एक मेडिकल रैप से ज़्यादा, और उसकी जॉब स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। यूजुअली एरिया मैनेजर बहुत जल्दी स्विच नहीं करते, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव स्विच कर जाते हैं, इसलिए उनकी जॉब स्टेबिलिटी कम होती है। एरिया मैनेजर ज़ाहिर है एक मैनेजर पोजीशन पे होते हैं, तो ज़ाहिर है उनकी जॉब स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो वो उसको ज़्यादा लेके चलते हैं, ठीक है। तो अभी ये सारी बातें होंगी। इसके अलावा ज़ाहिर है एक अच्छे एरिया मैनेजर में और क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, वो अच्छा टीम लीडर हो, क्योंकि देखें आपने टीम से काम लेना है, इंडिविजुअल प्लेयर तो नहीं है ना। जस्ट लाइक मैं आपको मिसाल दूंगा तेंडुलकर वाली के, वो तेंडुलकर क्या थे, वो इंडिविजुअल प्लेयर साबित होते थे, मतलब अपने लिए तो खेलते थे, लेकिन बहुत सी जगह ऐसा हुआ कि वो परफॉर्म नहीं कर पाए तो टीम बैठ गई। तो यहाँ पे टीम बहुत ज़रूरी है, कि टीम को लेके चलना, टीम के मसले सुनना। यूजुअली देखें हर आदमी तो परफॉर्म नहीं करता, अब आपको लेके बैठना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि भाई आप परफॉर्म नहीं कर रहे, आपकी ये चीज़ वीक है। लेकिन ये कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो अगर आप अप्रिशिएट करें तो सबके सामने करें कि भाई वेल डन, बहुत अच्छा काम किया, और अगर आपने किसी को आइडेंटिफाई करना है या उसने कोई ऐसी हरकत की है, तो फिर उसको आप सबके सामने उसको अलग से बिठा के समझाएं, क्योंकि अप्रिशिएट अगर आप सबके सामने करें तो अच्छी बात है, लेकिन आप सबके सामने उसको समझाएंगे तो शायद उसको उसकी ईगो हर्ट हो, उसको बुरा लगे, तो ये ज़रा आप अगर सेपरेटली करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा देखें हर आदमी की सेल्समैनशिप होती है, तो वो उसको उजागर करना भी एरिया मैनेजर का काम है, उसको निकालना, फिर उसके बाद उसकी जो ग्रूमिंग है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, वो कौन कराएगा, वो एरिया मैनेजर कराएगा। अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी है, आपकी प्रॉपर नीट एंड क्लीन अगर आप हैं, तो आप उसको भी टोक सकते हैं कि भाई तुम्हारा बैग जो है वो गंदा हो रहा है, तुम्हारे जूते पॉलिश नहीं है, तुम्हारे नेल्स जो हैं वो बड़े हुए हैं, तुम्हारे बाल जो हैं वो डिसऑर्गनाइज हैं, ठीक है ना। ये सारा काम जो है एरिया मैनेजर का है कि वो उसको आइडेंटिफाई करके बताए, ताकि वो जो हम ये भी कहते हैं कि एरिया मैनेजर मेडिकल रैप जो रिफ्लेक्शन है एरिया मैनेजर की, तो जितना अच्छा एरिया मैनेजर होगा उतनी अच्छा मेडिकल रैप उसमें नज़र आएगा, साफ सुथरा नज़र आएगा, तो जाहिर है लोग उससे बात भी करेंगे, उसकी बात भी सुनेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो हाइजीन का ख्याल रखे, जिनकी बियर्ड बड़ी होती है, यानी कि मैं कहता हूँ रोज़ाना शेव करनी चाहिए, लोग शेव नहीं करते और टाई लगा लेते हैं, आई डोंट नो कैसे लगा लेते हैं, बहरहाल शेव रोज़ाना होनी चाहिए, आपके बाल ट्रिम होने चाहिए, ठीक है। आप अगर आप बियर्ड रखते हैं तो बियर्ड ट्रिम होनी चाहिए आपकी, ठीक है। बैग आपका क्लीन होना चाहिए, विजिटिंग कार्ड आपके पास मौजूद होने चाहिए, क्योंकि यूजुअली पर्चे पे लिख के देते हैं या ऐसी कोई चीज़ करेंगे तो वो फिर एथिकल वे में नहीं है, आपके पास विजिटिंग कार्ड होने चाहिए। प्लस आपकी अच्छी सी स्माइलिंग, एक हेल्दी स्माइल होनी चाहिए, ताकि आप लगे कि आप कोई सामने वाला जो है वो लगे कि हाँ यार कोई बंदा बात करने आया है, ताकि स्माइलिंग पर्सनैलिटी जो है ज़ाहिर है वो हर जगह अट्रैक्टिव होती है, तो वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आइस ब्रेकिंग में क्या है कि बस आपके पास एंथुजियाज़म हो, करेज हो, पैशन हो कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, करूँगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। यूजुअली क्या होता है, लोग डिसार्ट हो जाते हैं कि नहीं जी मैं तो बहुत विजिट कर रहा हूँ, मैं रेगुलर जा रहा हूँ, लेकिन मैं उसको कन्विंस नहीं कर पा रहा, ऐसा नहीं है, कभी ना कभी तो आइस ब्रेकिंग होती है और कस्टमर टूट जाता है, तो ये लंबा काम है लेकिन हो जाता है। इसके अलावा कॉन्फिडेंस, आपको अपने पे कॉन्फिडेंस हो, अपनी प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस हो, अपने कॉर्पोरेट पे कॉन्फिडेंस हो, अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को ही ऑन नहीं किया तो फिर आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके अलावा एरिया मैनेजर शुड बी गुड लिसनर, लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग बोलते तो हैं लेकिन सुनते नहीं हैं, जब तक हमें सुनेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। तो मार्केटिंग में एक टर्म है कि लेट हिम वॉमिट, अगर उसको उल्टी करने तो अगर वो बोलना चाह रहा तो लेट हिम वॉमिट, पता चल जाएगा कि उसके पेट में क्या था, वो क्या बोलना चाह रहा था। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके अलावा ये मैं शुड बी प्रैक्टिकल, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए,
और ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल यस मैन बना रहे, और ज़रूरी नहीं है कि वो डंडा लेके मतलब घूमता रहे। तो हम उसको कहते हैं स्टिक एंड कैरेट थेरेपी, उसके पास होनी चाहिए। कभी प्यार से भी काम चला ले, कभी डंडे से भी काम चला ले, लेकिन यही नहीं है कि आपने प्रोडक्टिविटी लानी है और आपने अपनी टीम से काम लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पेशेंस होना चाहिए, सब्र। क्योंकि सेल्स में ये होता है कि 30 तक कोई सेल नहीं होती, और मालूम है 31 तारीख को आपके पास ऐसा ऑर्डर आ गया जो पूरे महीने की कसर पूरी कर दी उसने। तो बहुत ज़रूरी है पेशेंस, और साथ साथ आप सेल्फ मोटिवेट हो। और ज़ाहिर है बहुत से लोग, आप हो सकता है आपका बॉस आपको मोटिवेट नहीं करे, लेकिन आप अगर खुद आप में मोटिवेशन है, आप में लगन है, आप में जस्तजू है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा देखें, एरिया मैनेजर का ये भी काम है कि जो सेल्स मैनेजर ने या प्रोडक्ट मैनेजर ने आपको स्ट्रेटेजी दी है उसको इम्प्लीमेंट करवाए और सक्सेसफुली उस प्रोडक्ट को, उस रीजन को लेके चले जिसका उसको टास्क दिया गया है। तो ये सब चीज़ें मिल मिला के जो है वो एरिया मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अगर कुछ रह गई होंगी तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने आपसे शेयर की है। क्योंकि देखें, मेडिकल रैप या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, लेकिन उसके बाद ये जो पोस्ट है हमारी एरिया सेल्स मैनेजर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, फिर इंशाल्लाह दूसरी वीडियोस आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यू आर वॉचिंग अख्तर सईद इन्फो टीवी।